जी, हम पिछले दिनों में देख रहे थे कि एक बार फिर जो हीट स्ट्रेस कंडीशंस बन रही थी, और पिछले दिनों में डे टाइम टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर चल रहा था, पर कल जो वेदर कंडीशंस में चेंज आई है उसे डे टाइम और नाइट टाइम दोनों ही टेम्परेचर्स में गिरावट ऑब्जर्व की गई है। कल का दिन का तापमान 38.6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल का नॉर्मल डे टाइम टेम्परेचर 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड था। सो ये लगभग 2.1 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मल से ऊपर रिकॉर्ड किया गया। ऐसे ही आज का मिनिमम टेम्परेचर 24.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि आज का नॉर्मल मिनिमम टेम्परेचर 27.3 डिग्री सेंटीग्रेड है। सो ये लगभग 2.9 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मल के नीचे ऑब्जर्व किया गया। सो हमने देखा कि दोनों ही दिन और रात के तापमान में गिरावट ऑब्जर्व की गई है, और हीट वेव से थोड़ी राहत जरूर मिली है, पर इससे क्योंकि ह्यूमिड कंडीशंस अब बन रही हैं, ह्यूमिडिटी ज़्यादा बढ़ गई है, तो अनकंफर्टेबल कंडीशंस ज़रूर बनी हुई हैं जो आने वाले दिनों में भी रह सकती हैं, क्योंकि ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो रही है। और आने वाले 3-4 दिन पंजाब में काफ़ी जगह पे जो बारिश हो सकती है, और कहीं कहीं जो हैवी बारिश है वो भी हो सकती है। तो आज लुधियाना में कितनी बरसात हुई है, जून माह का कितना आंकड़ा होगा? लुधियाना में आज 39.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, और जून की टोटल बारिश अब तक 46.6 मिलीमीटर हो गई है, जबकि जून महीने की नॉर्मल बारिश 82.8 मिलीमीटर है। लगता है कि आने वाले दिनों में बरसात हो सकता है, आंकड़ा बराबर हो सकता है? बिल्कुल जी, क्योंकि आने वाले 3-4 दिन अभी बारिश एक्सपेक्टेड है, सो हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अच्छी बारिश आने वाले 3-4 दिन में हो सकती है, और कहीं कहीं जो हैवी बारिश है वो भी हो सकती है। कुछ अलर्ट जारी किया है? जी, आने वाले 3 दिन के लिए IMD की तरफ से जो येलो अलर्ट हैवी रेन के लिए किया गया है। आप किसानों को लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे? किसानों को भी हम यही बता सकते हैं जी कि आने वाले 3-4 दिन बारिश हो सकती है, और कहीं कहीं हैवी बारिश भी हो सकती है, और जैसे आजकल झोने की सोइंग और ट्रांसप्लांटिंग चल रही है, तो उसके लिए ये काफ़ी लाहेवंद सिद्ध हो सकती है, क्योंकि इस क्रॉप को पानी की काफ़ी ज़रूरत होती है। तो हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो 3-4 दिनों में बारिश होगी वो क्रॉप के लिए काफ़ी लाहेवंद होगी। लास्ट में ये प्री मॉनसून बरसात कहेंगे? बिल्कुल जी, इसको हम प्री मॉनसून रेन ही बोल सकते हैं, क्योंकि मॉनसून का जो एडवांस है वो भी चल रहा है, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नियर नॉर्मल मॉनसून ऑनसेट हो सकते हैं। जी, हम पिछले दिनों में देख रहे थे कि एक बार फिर जो हीट स्ट्रेस कंडीशंस बन रही थी, और पिछले दिनों में डे टाइम टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर चल रहा था, पर कल जो वेदर कंडीशंस में चेंज आई है उसे डे टाइम और नाइट टाइम दोनों ही टेम्परेचर्स में गिरावट ऑब्जर्व की गई है। कल का दिन का तापमान 38.6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल का नॉर्मल डे टाइम टेम्परेचर 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड था। सो ये लगभग 2.1 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मल से ऊपर रिकॉर्ड किया गया। ऐसे ही आज का मिनिमम टेम्परेचर 24.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि आज का नॉर्मल मिनिमम टेम्परेचर 27.3 डिग्री सेंटीग्रेड है। सो ये लगभग 2.9 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मल के नीचे ऑब्जर्व किया गया। सो हमने देखा कि दोनों ही दिन और रात के तापमान में गिरावट ऑब्जर्व की गई है, और हीट वेव से थोड़ी राहत जरूर मिली है, पर इससे क्योंकि ह्यूमिड कंडीशंस अब बन रही हैं, ह्यूमिडिटी ज़्यादा बढ़ गई है, तो अनकंफर्टेबल कंडीशंस ज़रूर बनी हुई हैं जो आने वाले दिनों में भी रह सकती हैं, क्योंकि ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो रही है। और आने वाले 3-4 दिन पंजाब में काफ़ी जगह पे जो बारिश हो सकती है, और कहीं कहीं जो हैवी बारिश है वो भी हो सकती है। तो आज लुधियाना में कितनी बरसात हुई है, जून माह का कितना आंकड़ा होगा? लुधियाना में आज 39.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, और जून की टोटल बारिश अब तक 46.6 मिलीमीटर हो गई है, जबकि जून महीने की नॉर्मल बारिश 82.8 मिलीमीटर है। लगता है कि आने वाले दिनों में बरसात हो सकती है, आंकड़ा बराबर हो सकता है? बिल्कुल जी, क्योंकि आने वाले 3-4 दिन अभी बारिश एक्सपेक्टेड है, सो हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अच्छी बारिश आने वाले 3-4 दिन में हो सकती है, और कहीं कहीं जो हैवी बारिश है वो भी हो सकती है। कुछ अलर्ट जारी किया है? जी, आने वाले 3 दिन के लिए IMD की तरफ से जो येलो अलर्ट हैवी रेन के लिए किया गया है। आप किसानों को लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे? किसानों को भी हम यही बता सकते हैं जी कि आने वाले 3-4 दिन बारिश हो सकती है, और कहीं कहीं हैवी बारिश भी हो सकती है, और जैसे आजकल झोने की सोइंग और ट्रांसप्लांटिंग चल रही है, तो उसके लिए ये काफ़ी लाहेवंद सिद्ध हो सकती है, क्योंकि इस क्रॉप को पानी की काफ़ी ज़रूरत होती है। तो हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो 3-4 दिनों में बारिश होगी वो क्रॉप के लिए काफ़ी लाहेवंद होगी। लास्ट में ये प्री मॉनसून बरसात कहेंगे?
बिल्कुल जी, इसको हम प्री मानसून रेन ही बोल सकते हैं क्योंकि मानसून का जो एडवांस है वो भी चल रहा है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नियर नॉर्मल मानसून ऑनसेट हो सकते हैं।